बहुत स्वागत है आपका सिटी एट नाइन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर मिली है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में मिली बम की खबर। बम की खबर के बाद सभी यात्री विमान से उतारे गए और अब चेकिंग की जा रही है। आप ये देखिए कि जब बम की खबर मिली, हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि इस दौरान सभी जो यात्री सवार थे फ्लाइट में, उन सभी को उतार दिया गया और अब इसे इसकी जांच की जा रही है। इसकी पूरी अच्छे से जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता भी तुरंत बुला लिया गया है और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है और अब जांच की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कहां पर ये बम है, क्योंकि जिस तरीके से खबर मिली है, चौंकाने वाला ये पूरा हादसा, पूरा घटनाक्रम। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर, मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की खबर मिली। थाने पर हमले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि छत्तरपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनके इलाज के लिए समुचित निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। वहीं इस पूरे मामले में 46 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बड़ी खबर है छतरपुर से, पुलिस थाने पर हमले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है। तो सीएम ने सख्त निर्देशित किया है कि इस तरीके का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरीके की बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम ने साफ कर दिया है कि इस तरीके का प्रदर्शन या बर्बरता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, बिल्कुल छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना में कल कुछ उपद्रवियों ने वहां पर पथराव कर दिया था, जिसमें TI समेत काफी पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये भीड़ ज्ञापन देने गई थी, लेकिन वहां पर असामाजिक तत्वों ने लगातार वहां पथराव किया थाने पर और पुलिस को भी थाने में बच छुपना पड़ा था। इस तरह की स्थिति कल बन गई थी। उसके बाद ये मामला सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आया और उन्होंने पूरी रिपोर्ट तलब की। सीएम ने फिर उसके बाद स्पष्ट कर दिया आला अफसरों को कि इस तरह का उपद्रव करने वाले, शांति का टापू जो मध्य प्रदेश, वहां पर हिंसा फैलाने वालों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद से पुलिस सख्त एक्शन में है और अभी तक 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR की जा चुकी है। 46 करीब ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर नामजद आरोपी, जिन्हें बनाया गया है, इन CCTV फुटेज के आधार पर इन्हें चिन्हित किया गया और इनके खिलाफ अब कड़ा एक्शन किया जा रहा है। सीएम ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सौहार्द सांप्रदायिक जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में इस तरह की हरकतों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके के प्रदर्शन या बर्बरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीएम ने चेता दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुबह सुबह अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। हेल्थ मिनिस्टर ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत भी की है। एक और बड़ी खबर है, दिसंबर के पहले हफ्ते में रीवा को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, रीवा को एक नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। विंध्य क्षेत्र के लोगों को मिलेगा हवाई सेवा का लाभ। आप ये देखिए कि रीवा संभाग में एयरपोर्ट की शुरुआत उन सभी के लिए बहुत राहत होगी जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो मैहर, कटनी, नागौद, सतना, अमरपाटन, रामनगर, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हवाई सेवा के लिए इन्हें या तो जबलपुर या तो भोपाल जाना पड़ता है और वो भी एक लंबी जर्नी तय करके उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन रीवा में दिसंबर के पहले हफ्ते में ही एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। बिंदु को एक नई सौगात मिलने जा रही है, पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था। एयरपोर्ट पूरा बनकर तैयार हो चुका है और दिसंबर के पहले हफ्ते से आपको हवाई सेवाओं की जो सौगात है वो मिलने जा रही है। रीवा संभाग को ये बड़ी सौगात, जहां पर पहले से ही ये सौगात दी गई थी कि जल्द ही रीवा में भी एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा,
बनकर पूरा तैयार हो चुका है। तमाम तकनीकी संसाधनों से लैस इस एयरपोर्ट की शुरुआत दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगी और ये बड़ी सौगात मिली है बिंद के लोगों को। तो वही रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुबह सुबह अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। हेल्थ मिनिस्टर ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। मंत्री जायसवाल ने कई जगहों पर व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पतालों में बंदूकधारी सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति होगी और इसमें सेना से रिटायर्ड जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। रायपुर के कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं और अपने इस निरीक्षण के दौरान वो अस्पतालों में संचालित व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं, इसलिए उनसे ही बात करते हैं। कई अस्पतालों में जब औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ पाया आपने? राज्य के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मैं कह रहा अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ लोगों की जो विश्वास है माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, जो सरकार की मंशा है कि आम जनता को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उसके लिए जो भी सुधार की आवश्यकता है, जो भी व्यवस्थाओं में और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम सतत रूप से कर रहे हैं। आज मैं मेकाहरा गया था, पहले से व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हैं और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छी व्यवस्थाएं कैसे हो सके, उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की अव्यवस्थाएं अपने अस्पतालों में दी? देखिए, पहले से काफ़ी व्यवस्था है। सुबह सुबह का समय था 6:30 बजे, फिर भी साफ सफाई में लोग लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, नर्सेस अपना ड्यूटी कर रहे थे, इमरजेंसी में डॉक्टर थे, मरीजों को उपचार कर रहे थे, सभी लोग अपने अपनी ड्यूटी में थे। किचन में नाश्ता गर्मा गर्म तैयार हो रहा था। तो जिस प्रकार का हम लोगों ने दिशा निर्देश पिछले समय में दिए हैं, वो उसका पालन हो रहा है। सुरक्षा को लेकर जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं, उनको हम प्रयास करेंगे कि वो मिल जाए, तो ऐसे 10 की संख्या में रखेंगे। यदि वो नहीं मिलते हैं तो जो सशस्त्र लाइसेंस वाले जवान हैं, ऐसे लाइसेंसधारी जिनके पास गन हो, ऐसे गनधारियों की ड्यूटी करेंगे, ताकि ऐसी स्थिति में, वैसे छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति की संभावना नहीं है, फिर भी सरकार जो है अपनी ओर से चाक चौबंद व्यवस्था करेगी। कोलकाता मामले के बाद छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा के लिहाज से अब बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही जिस तरह की भी अस्पतालों में व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उस पर हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल जो है त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। जिस किसी अस्पताल में गड़बड़ी पाई जा रही है, तो उस पर कार्रवाई का काम भी जो है वो किया जा रहा है।